चलो रस्म शुरू करते हैं। घबराइए नहीं ठाकुर माँ, ये सब हमारे ही आदमी हैं। दुर्गा माँ की सवारी बनकर आए हैं ये लोग, हमारी बहू को परिक्रमा कराएंगे और इस रस्म के पूरा होने से विवाहित जोड़े पर जो भी बुरी नजर होगी नष्ट हो जाएगी। यही तो रस्म है। इनको जो करना है कर लेने दो, लेकिन तुम अपनी नजर सिर्फ बंदिता पर रखना। जाने क्यों घबराहट हो रही है कि वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी शेर का मखौटा पहनकर यहां ना आ गया हो। अब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे उस बाघ बने आदमी का चेहरा देखना है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रस्म पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, ये शादी में विघ्न पैदा कर सकता है। विघ्न ना पड़े इसीलिए तो देखना है। ठाकुमा, ये रस्म विघ्न रोकने के लिए है और आप खुद विघ्न बन रही है इस शादी में। रस्में पूरी होने दीजिए, क्यों देवी माँ का प्रकोप लेना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, आप करिए रस्म। मेरा दिल कहता है कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी यहाँ पहुंच चुका है। मैं दोबारा जाकर जांच तो नहीं कर सकती, लेकिन जब तक ये पता ना कर ले कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी यहाँ है या नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वैसा कर, पैसे वारने के बहाने ये जितने भी शेर बन के घूम रहे हैं, इनके नकाब के पीछे किसका चेहरा है ये पता कर। लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझा? मुझे पढ़ लिख कर बैरिस्टर बाबू बनना है।
इसीलिए सका बाबू रूपा बनकर आए थे। और आज भी मेरे लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर आए हैं। आपसे कभी कुछ नहीं मांगा आपके बंधुता ने, आज आपकी बेटी बनकर आपसे अपना सपना पूरा होने का आशीर्वाद मांगती है काकू। क्योंकि अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो कभी खुश नहीं रह पाएगी आपकी बंधुता, कभी नहीं। अगर उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने इस शादी में रुकावट बनने की कोशिश की तो दो गोली उसमें दाग देना। अनिरुद्ध है ना वहां? शादी नहीं करना चाहती हूँ, खुश नहीं रह पाएगी आपकी बंधुता। नहीं पिशी माँ, इनमें से कोई भी अनिरुद्ध नहीं। पक्की बात? जी पिशी माँ। शुक्रिया काका, आज आपकी मदद से एक बार फिर से उड़ सकेगी बंधुता। शुक्र है काका ने ठाकू माँ को नहीं बताया, अब बस किसी तरह यहाँ से बच के निकलना होगा बंधुता। अब बिल्कुल चिंता छोड़िए ठाकू माँ और आराम से शादी कीजिए अपनी पोती की। तुलसीपुर से हमारे एक मित्र आए हैं, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध बाबू हमेशा के लिए विलायत वापस चले गए। चला गया? मैं ठीक ही कहती थी, भगौड़ा है भगौड़ा, भाग गया ना। देखा बंधुता, आज तेरा विश्वास हार गया और मेरी जिद जीत गई। आज मैं अपनी जीत की खुशी में तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। जीवन भर के लिए पत्नी सुख का आशीर्वाद देती हूँ, चंद्रचूर जैसे पति का साथ देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे सर पर हमेशा आदमी का हाथ रहे। बजाओ, ढोल बजाओ, जिसकी आवाज विलायत तक पहुंचे। सासू माँ, दुल्हन का टोपूर कहाँ है? रस्म के बाद उसे पहनाना है ना? हाँ, मैंने संभाल कर रखा है। ये रस्म खत्म होते ही बंधुता को कमरे में भिजवा देना, अपने हाथों से पहनाऊंगी टोपूर बंधुता को। मैं लेकर आती हूँ। चलो बंधुता, यही सही वक्त है। इसमें आ जाओ। मैं जानती थी अब जरूर आएंगे सखा बाबू। कैसे नहीं आता बंधुता, तुम्हें छोड़कर तो चला गया था पर एक पल चैन से नहीं रह पाया मैं। और फिर जैसे ही पोर्ट पहुंचा तुम्हारी चिट्ठी मिली मुझे, और अगर उस चिट्ठी को पढ़कर भी नहीं आता ना तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता मैं। बंधुता, मैं तुमसे वादा करता हूँ लंदन पहुंचते ही तुम्हारे पैर का अच्छे से इलाज करवाऊंगा मैं,
तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी और तुम्हारा पैर, तुम पढ़ोगी भी और उड़ोगी भी बहुत। पक्का वाला वादा है तुमसे। वो तो मैं जानती हूँ, पर अभी मुझे वादा कीजिए और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए जीवन में, अब दोबारा कभी बॉन्दता को अपने से अलग नहीं करेंगे। ये भी कोई सवाल है बॉन्दता? मैं तुमसे बाहर रेलवे स्टेशन आ गया। चलो बॉन्दता, रेलवे स्टेशन आ गया। कहाँ से हम ट्रेन से कलकत्ता जाएंगे और वहां से जहाज से लंदन। चल बॉन्दता, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा मंडप में। बॉन्दता चल चल। अनिरुद्ध है ना वहाँ? नहीं भीष्मा, इनमें से कोई भी अनिरुद्ध नहीं। तुझे पता था ना कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी शादी में आया था? तुझे मालूम था? बजाय गोली दागने के तूने उन्हें भागने दिया। सुमति माँ, आप बस बहुत धूल झोंक ली आपने अनिरुद्ध बाबू। अब और नहीं, मेरे रहते हुए मेरी बच्ची को आप कहीं नहीं लेकर जा सकते। जो गलती तूने की है उसे अब मैं सुधारूंगी। इस घर से डोली उठे ना उठे, पर एक अर्थी जरूर उठेगी। माफ कर दीजिए ना सासू मां, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं खुद जाऊंगी इनके साथ बॉन्दता को लाने के लिए, लेकिन इन्हें माफ कर दीजिए। ठाकुमा ठाकुमा, बाहर लड़के वाले बहुत बेसब्र हो रहे, उन्होंने बुलाया आपको। बॉन्दता आ मेरे पास, चल मेरे साथ। सुना नहीं? मैंने सुना माँ, पर तू क्यों नहीं सुन रही है मेरे मन की बात? तू जानती है ना मुझे शादी नहीं करनी है, बाल विवाह गलत है, मुझे मैरिज से बाबू बनना है, अपना सपना पूरा करना है। बॉन्दता सपना कभी सच नहीं होता, और इसीलिए उसे सपना कहते हैं। पर माँ, मैं सपना पूरा करूंगी, क्योंकि ये सपना मैंने सोते हुए नहीं, खुली आंखों से देखा है। नहीं मेरी बच्ची, मेरी बात समझ, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और ये बात मान ले और चल मेरे साथ। किस्मत तो अपने हाथों से बनानी पड़ती है ना सुमति भाई, और बॉन्दता की किस्मत
हाथों की लकीरों से नहीं बनेगी, बल्कि बॉन्दिता जब शिक्षित होकर आएगी, समाज की बनाई लकीरों को पार करेगी, तब बनेगी। और सुमति माँ, आप तो जानती है ना, बॉन्दिता ने कितनी मेहनत से अपने आप के लिए रास्ता बनाया है। परिवार के बनाए, समाज के बनाए, न जाने कितने नियमों को, न जाने कितनी बाधाओं को पार किया है बॉन्दिता ने, तब जाकर यहाँ पहुंची है सुमति माँ। आपसे विनती है सुमति माँ, इस बार बॉन्दिता को मत रोकिए, उसे अपने मंजिल तक जाने दीजिए। आखिर चाहते क्या है आप अनिरुद्ध बाबू? मैं अपनी ठाकुर माँ को, अपने पूरे परिवार को इस भरे समाज में अपमानित होने दूं? वहां इसके बारात आ चुकी है, क्या कहेगी ठाकुर माँ सबको बताइए? माँ, ये लोग, ये समाज तब कहाँ था जब मामा मामी के घर हमें कभी इज्जत नहीं मिलती थी? कहाँ थे ये लोग जब मामी मेरी शादी मेरे दादा के उम्र के दूल्हे से करवा रही थी? कहाँ था समाज जब उसने छोड़ी हुई औरत होने का कलम मेरे माथे मार दिया था, जब फरमान निकाल दिया था कि मेरा कटा हुआ सर चौपाल के पेड़ पे लटकाएंगे? तब कहाँ था ये समाज? माँ, मुझे पढ़कर बारिश बाबू बनना है, और बारिश बाबू बनकर फिर किसी सुमति माँ को बेबस नहीं होना पड़ेगा, अपनी बेटी को सती होते हुए नहीं देखना पड़ेगा, फिर किसी भी बेटी को बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तू देखना, उन सब औरतों की ताकत बनेगी तेरी बॉन्दिता। आपसे विनती करता हूँ सुमति माँ, समझिए, ये समय बॉन्दिता की कमजोरी बनने का नहीं, बॉन्दिता का साथ देने का है, बॉन्दिता की मजबूती बनने का है। मत रोकिए उसे, प्लीज। ठीक है बॉन्दिता, मैं देती हूँ तुझे मौका। शुक्रिया। तेरे लिए जरूरी क्या है, तेरी माँ या फिर तेरा सखा बाबू? इनमें से किसी एक को चुनने का मौका देती हूँ। बता दे बॉन्दिता, तू किसे चुनेगी, तेरी माँ को या फिर तेरे सखा बाबू? ये लोग अभी तक मेरी दुल्हन को लेकर मंडप में क्यों नहीं आए? मुहूर्त का समय बीत रहा है, बौधू को बुलाएं। एक बार मुहूर्त निकल गया तो फिर एक साल। बस कीजिए पंडित जी, एक साल नहीं, 100 साल तक इंतजार करूंगा अपनी बॉन्दिता का मैं, लेकिन शादी सिर्फ उससे करूंगा। तोलन कहाँ है ठाकुर माँ? दुल्हन आ रही है, आप जरा यहाँ आइए, बात करनी आपसे। हमें कुछ नहीं सुनना, मुझे लड़की मंडप में चाहिए। बाबा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर मेरे बेटे की बारात बिना दुल्हन के गई ना, तो मैं दास परिवार के एक एक सदस्य की गर्दन काट कर इन पेड़ों पर लटका दूंगा। देखिए, शादियों में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं। आप घबराइए मत, लड़की बहुत जल्द मंडप में होगी, आप विश्वास रखिए। गाड़ी निकालो। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए, पर आज तुझे किसी एक को चुनना ही होगा बॉन्दिता, तेरी माँ को या फिर तेरे सपने को। कैसे सोच लिया ये कि ये निर्णय मुश्किल होगा मेरे लिए? ये सपना क्या चीज है, भगवान और माँ में भी चुनना पड़े तो अभी मैं माँ को ही चुनूंगी। तो मेरी पहली गुरु है माँ, तो मेरी आग है, मेरी आवाज है, मेरी मुस्कान है, मेरी ताकत भी तू है,
और मेरी कमजोरी भी तू है माँ, मुझे लगी हर दुआ है तू माँ, मेरे हर दर्द की दवा है तू माँ। मुझे माफ कर दीजिए सखा बाबू, मेरे लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं बंधुता, सही निर्णय लिया है तुमने, माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। चल जहाँ ले जाना है ले चल, माँ मेरे जीवन का जो निर्णय लेना है तुझे ले ले। बहुत बड़े अपमान से बचा लिया तूने सुमति बहू, वरना तेरी बेटी ने तो हम सब के मुंह पर काले पोत ही दी थी। अगर शेरनी सो जाए तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गीदड़ों का राज हो गया। अच्छा है सही समय पर सही समझ आ गई तुझे, और तूने दास परिवार के मान को चुना, अपनी अड़ियल बेटी की जिद को नहीं। वैसे भी लड़की जात और कलंक, जितना जल्दी इनसे पीछा छूटे उतना अच्छा। बौंदिता को कूठी से बांधकर घर की गाय बना दो, सपनों के पंख देकर आसमान की बेलगाम पतंग नहीं। तुमने कैसे सोच लिया ये कि ये निर्णय मुश्किल होगा मेरे लिए, भगवान और माँ में भी चुनना पड़े तो भी मैं माँ को ही चुनूंगी। सुमति बहू, अपनी बेटी का घर बसने से रोक रही है उसे। नहीं ठाकुर माँ, इस बार आप गलत हैं। मैंने अपनी बेटी को उसका सपना चुनने का मौका दिया, पर मेरी बेटी ने मुझे चुना, इसीलिए मैं अपनी बेटी के लिए उसका सपना चुनती हूँ। चला दूंगी।